वाली वो जो आगे चार दूरी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आपने वीडियो शुरू होने से पहले एक क्लिप देखी होगी, उस क्लिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्लिप है दोस्तों, ये फारूक नगर हरियाणा का जो टाटा मोटर्स का वेयर हाउस है या कि जहाँ पे गाड़ियाँ वो बल्क में स्टॉक रखते हैं अपने पास, वहाँ की वीडियो है। अभी बहुत तेज बारिश पड़ने की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि अगर बात की जाए गाड़ियों की तो एल्टरोज के तो टायर्स भी प्रॉपरली डूब चुके हैं, थोड़ा बहुत टायर्स दिख रहे हैं। अब आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करेंगे, टाटा मोटर्स को भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में लॉन्ग टर्म में कस्टमर को कितना परेशान करती हैं, वो चीज़ें आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए गाड़ियों की तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, टियागो, एल्टरोज, सफारी या फिर हैरियर जो खड़ी हुई हैं, हैरियर सफारी दोनों में से अगर कोई भी है तो उसे कोई समस्या नहीं है खड़े होने से, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बात की जाए एल्टरोज की या टियागो की, तो एल्टरोज का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दोस्तों टियागो से भी काफ़ी कम है और एल्टरोज के जो टायर्स हैं वो प्रॉपरली डूब चुके हैं। थोड़ा बहुत टायर में एक इंची या डेढ़ इंची या दो इंची की जगह रह गई है, बाकी पूरा टायर डूब चुका है, गाड़ी का फेंडर डूब चुका है। और हो सकता है, चांसेस हैं कि अगर ये पानी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे ऐसे ही रहा हो, जैसे एक तो होता है दोस्तों बारिश पड़ी एक घंटे दो घंटे के बाद पानी खत्म हो गया, एक होता है कि बारिश पड़ी पानी भर गया, भरने के बाद चार घंटे छः घंटे दस घंटे एक दिन दो दिन वो पानी वहीं एज इट इज जमा रहा, तो चांसेस हैं कि गाड़ी के दरवाजे के अंदर भी पानी चला जाए, क्योंकि रनिंग बोर्ड जो है वो गाड़ी का डूबा हुआ है प्रॉपरली। टियागो का भी जो कोने में रेड कलर की आप देख रहे हैं और जो एल्टरोज है उसका भी। अब यहाँ पे मेन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्या हम लोगों को इस गाड़ी को लेने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आपको अगर आप इस तरीके की कोई भी गाड़ी लेते हैं जो कि पानी में खड़ी रहती है, पाँच दिन दस दिन सात दिन बारिश में भीगती है, खुले में खड़ी रहती है, तो उसमें आपका जो पेंट क्वालिटी है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी की ऊपर एक जो ग्लॉस फिनिश होती है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है ये लोग उसे रबिंग पॉलिशिंग कर दें पेंट डल होने की वजह से या फिर कहीं पर और कोई समस्या आने की वजह से, हो सकता है कि ये लोग रस्टिंग की वजह से, जैसे पानी में गाड़ी खड़ी हुई है कॉर्नर्स में रस्टिंग आ गई, रनिंग बोर्ड के एरियाज में रस्टिंग आ गई, तो ये लोग उसे रीपेंट कर दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं एक टाटा मोटर्स की गाड़ियों का फ़ैन होते हुए भी ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीलरशिप बहुत सारी कंपनियों के इस तरीके से करते हैं, मारुति वाले भी ऐसे ही काम करते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है, हुंडई वाले भी यही करते हैं। हुंडई वालों की तो कहानी अलग ही लेवल की चल रही है, वो तो एक सेपरेट वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, आप जो है सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, पता लग जाएगा। अभी मुद्दे पर आते हैं एल्टरोज और टियागो के। अब इन गाड़ियों में क्या है दोस्तों, रस्टिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनसे कि आप पर गाड़ी चल रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया, पावर विंडो काम नहीं कर रही है, आपका म्यूजिक सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट साइड के स्पीकर से आपको आवाज़ नहीं आ रही, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि बेसिक आप कितनी भी PDI कर लें जिस वक्त गाड़ी लें, हो सकता है कोई समस्या आपको गाड़ी लेते वक्त आ जाए जिस वक्त आप PDI कर रहे हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, हो सकता है आपको घर पहुंच के कोई समस्या आ जाए, हो सकता है आपको एक महीने बाद कोई समस्या आ जाए, लेकिन अगर उस वक्त आपको कोई समस्या आएगी तो आप टाटा मोटर्स को कितना भी बोल लीजिए कि सर इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, वो केवल आपको रिपेयर करके ही देंगे, मतलब कि 8.5-9 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपको लगातार कंटिन्यूसली चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मैं डरा आपको नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो हम लोगों को एज ए कस्टमर ये कोशिश करनी है कि ये जो वीडियो अभी सामने हमारे आई है, ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी है, इसके अंदर मैक्सिमम एल्टरोज जो है वो व्हाइट कलर की खड़ी हुई है, पर्टिकुलर उस एरिए से अभी आप अगले 1-1.5 महीने तक उस एरिए से एल्टरोज खरीदना अवॉइड करें, स्पेसिफिकली व्हाइट कलर की। तो क्योंकि अगर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा समय के लिए पानी के अंदर खड़ी हुई है तो इसके अंदर ये समस्याएँ आ सकती हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रस्टिंग की समस्याएं आ सकती हैं, इलेक्ट्रिक फेलियर की समस्याएं आ सकती हैं, गाड़ी के कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी की और किसी चीज़ के अंदर आपको समस्या आ सकती है। तो अगर अवॉइड आप कर सकते हैं तो करिए, या फिर गाड़ी खरीदते वक्त उन लोगों से इस चीज़ की पुष्टि करिए। अगर आप एल्टरोज खास करके फारूक नगर हरियाणा से आप खरीद रहे हैं उसके आसपास के डीलर्स से, तो इस चीज़ की पुष्टि करिए कि कहीं आपकी व्हाइट कलर की टाटा एल्टरोज इनमें से ही एक तो नहीं है।
वैसे ये काउंट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, बहुत जल्दी ये सेल आउट हो जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। और टाटा मोटर्स जिस प्रकार की कंपनी है, जिस प्रकार की सोच पे ये लोग काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कस्टमर का कभी बुरा चाहेंगे। अगर इन गाड़ियों में कोई समस्या है भी, तो इन गाड़ियों की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, और दूर नहीं किया जाएगा तो इन गाड़ियों को दोबारा से रिकॉल करके इन्हें दोबारा से प्रॉपरली एकदम नई जैसा बना के तब डीलरशिप के पास भेजा जाएगा। वैसे चांसेस इस चीज़ के बहुत कम है कि इन गाड़ियों में पानी, जो ये पानी आप अभी देख रहे हैं गाड़ियों के चारों तरफ, ये बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा हो। ऐसा अक्सर होता है, हमारी गाड़ियों के साथ भी होता है। हम लोग जब गलियों में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, इवन मैं भी जब कभी अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर देता हूँ, बारिश पड़ती है तो गाड़ी के आधे टायर्स डूब जाते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद बारिश जैसे बंद होती है, एक घंटे दो घंटे के अंदर वो पानी वहां से निकल जाता है, तो कोई समस्या नहीं आती। ये जबकि ये गाड़ी तो 3 साल पुरानी है, अभी बारिशें पड़ी हैं गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव के अंदर तो कितना पानी भरता है यार। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इतने पानी में, गुड़गांव में एक सेक्टर 4 है जगह है, वहां से इतने पानी में निकाली है गाड़ी, इतने पानी में निकाली है कि मैं खुद देख के डूब गया, मतलब हैरत में आ गया था कि ये कहां मैंने गाड़ी घुसा दी। इको स्पोर्ट के टायर जो है वो डूब चुके थे, मुश्किल से मुश्किल 2-2, 3-3 इंच टायर जो है उसके बचे हुए थे, और वहां मैंने अपनी गाड़ी जो है घुसा दी, और उसके बाद निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इलेक्ट्रिक फेलियर अभी तक नहीं हुआ, कोई रस्टिंग का इशू अभी तक नहीं आया। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर गाड़ी लंबे समय, 2 दिन 4 दिन 1 दिन 1.5 दिन तक गाड़ी उस पानी में नहीं खड़ी हुई है तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर लंबे समय तक गाड़ी उस पानी के अंदर खड़ी रही है तो हो सकता है समस्या आ जाए, लेकिन चांसेस इस चीज़ के बहुत कम है कि लंबे टाइम तक गाड़ी पानी के अंदर खड़ी रही होगी। तो आई होप दोस्तों कि मैं जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल पाया हूँ प्रॉपरली। बाकी जो वीडियो क्लिप है ये मैंने प्रतीक सिंह भाई जो हैं अपने, जो कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से जुड़ी हुई चीज़ों के को लेके हमें अवेयर करते रहते हैं, ट्रैफिक नॉर्म्स को लेके हमें अवेयर करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं कि किस तरीके से हमारी एक गलती हमारे परिवार को, हमारे परिजनों को कितनी महंगी पड़ सकती है। उनके चैनल से, उनके फेसबुक अकाउंट से मैंने ये डाउनलोड करके ली है, तो मैं आपको प्रतीक भाई इस वीडियो का क्रेडिट देना चाहता हूँ प्रॉपर। ये जो वीडियो है, और मेरे जो सभी व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, आप सबको भी ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रतीक भाई के चैनल का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।